Hi guys, welcome to Oliveboard, and this is Shilpi Kanchan. So in this video, I'm going to discuss with you part 3 and also the last part of the series for BOLT monthly current affairs for the month of December. So two parts already discussed kiye ja chuke hain. So if you are watching this video for the first time, then I would request you ke pehle part 1 dekho and part 2 dekho and then come on to this part. So aap logon ka jo pura December ka month hai wo cover ho jayega. I'll show you the table of contents jo maine pehle two parts mein discuss kiya hai. So banking, economy, national, international, current affairs. So I have discussed up to appointments and now the rest of the things like awards, ranks and reports, days, ye sab hum aaj discuss karenge. So without further ado, let's get started. Duncan Hamilton wins William Hill Sports Book of the Year for the third time. So Duncan Hamilton ne ek book likhi thi is baar, The Great Romantic. And this book has got the William Hill Sports Book of the Year Award. और इनको ये पुरस्कार तीन बार मिल चुका है, making him the only person in the history who have won this award for 3 times. National Florence Nightingale Award 2019 to Lini Puthusiri. So Lini Puthusiri was a nurse और जब निपा वायरस फैला था केरला में, she has done outstanding work और उसकी चपेट में ये खुद भी आ गई उस टाइम पे. So इस वजह से इनकी डेथ हो गई थी और ये सिर्फ 29 इयर्स की थी. So जो इनका सैक्रिफाइस था उसको काफी सराहना मिली एंड शी वाज कंसीडर्ड अ हीरो एट दैट पॉइंट ऑफ टाइम. सो नेशनल फ्लोरेंस नाइटेंगल अवार्ड मिला है लिनी पुथुसिरी को. इसके अलावा WHO ने यानी कि वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन ने 2020 को अनाउंस किया है एज द ईयर फॉर नर्स एंड मिडवाइफ्स. स्पेस स्टार्टअप विद AI सॉल्यूशन टू स्टबल बर्निंग विंस स्पेस ऑस्कर. सो एक अवार्ड है जिसका नाम है कॉपरनिकस मास्टर अवार्ड, इसको स्पेस ऑस्कर भी कहा जाता है. सो ये अवार्ड एक इंडियन स्टार्टअप विच इज नेम्ड ब्लू स्काई एनालिटिक्स इसको मिला है. इन्होंने एक ऐसा ऐप तैयार किया था विच वॉज प्रोवाइडिंग आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस सॉल्यूशन टू स्टबल बर्निंग प्रॉब्लम, यानी कि जो पराली जलाई जाती है जिससे काफ़ी पॉल्यूशन फैलता है उसको सॉल्व करने के लिए एक AI बेस्ड इन्होंने ऐप बनाया है जिसका नाम है ब्लू स्काई एनालिटिक्स एंड दिस ऐप हैज गॉट स्पेस ऑस्कर अवार्ड. सो पहली बार ऐसा हुआ है कि किसी इंडियन स्टार्टअप को ये अवार्ड दिया गया है. दिस मेक्स इट वेरी इंपॉर्टेंट फॉर अस टू रिमेंबर दिस. अपार्ट फ्रॉम दिस, ये जो अवार्ड है ये दिया गया है यूरोपियन कमीशन इन पार्टनरशिप विद यूरोपियन स्पेस एजेंसी. मिस जमैका टोनी आन सिंह क्राउंड मिस वर्ल्ड 2019. सो टोनी आन सिंह हु वॉज रिप्रेजेंटेटिंग जमैका, शी हैज वॉन मिस वर्ल्ड 2019. इंडिया को जो रिप्रेजेंट कर रही थी सुमन राव, उन्होंने सेकेंड रनर अप का खिताब जीता है. इसके अलावा ये भी क्वेश्चन आ सकता है कि ये जो अवार्ड सेरेमनी थी ये कहाँ पर हुई. सो इट हैपेंड इन लंडन. वहीं जो मिस यूनिवर्स कॉम्पिटिशन हुई थी, इट हैपेंड इन एटलांटा इन USA. अमिताभ बागची विंस $25,000 DSA प्राइज फॉर साउथ एशियन लिटरेचर 2019. सो अमिताभ बागची जिन्होंने एक किताब लिखी है जिसका नाम है हाफ द नाइट इज गॉन, इस बुक को मिला है DSA प्राइज फॉर साउथ एशियन लिटरेचर और जो अवार्ड मिला है दैट इज फॉर $25,000. शशि थरूर विंस साहित्य अकादमी अवार्ड 2019 फॉर एन एरा ऑफ डार्कनेस. सो पूरा इस किताब का नाम है एन एरा ऑफ डार्कनेस द ब्रिटिश एम्पायर इन इंडिया एंड इट इज़ अ वेरी ब्यूटिफुल बुक, आई हैव रेड इट. सो इसमें जो भी हमारी कंट्री के साथ में हुआ व्हेन इट वाज अंडर द ब्रिटिश एम्पायर वो बहुत ही अच्छे तरीके से लिखा गया है. इफ़ यू एवर गेट टाइम प्लीज रीड दिस बुक. सो जो शशि थरूर है ही इज MP फ्रॉम तिरुवनंतपुरम केरला. इंडिया ग्रीन एनर्जी अवार्ड फॉर भेल तिरुचि प्लांट. सो इंडिया एनर्जी ग्रीन अवार्ड मिला है भेल के तिरुचि प्लांट को. भेल के CMD कौन है यानी कि चेयरमैन एंड मैनेजिंग डायरेक्टर है नलिन सिंघल. आर्कियोलॉजिस्ट ऑनर्ड इन बांग्लादेश. सो एक काफ़ी प्रसिद्ध आर्कियोलॉजिस्ट हैं आर नागास्वामी, इनको बांग्लादेश में एक कार्यक्रम था सिल्वर जुबली इंटरनेशनल कॉन्फ्रेंस ऑफ आर्ट जो कि वहाँ की कैपिटल ढाका में हुआ, वहाँ पर इनको पुरस्कृत किया गया. मेजर अनूप मिश्रा अवार्डेड आर्मी डिजाइन ब्यूरो एक्सेलेंस अवार्ड एंड ही हैज़ गॉट दिस अवार्ड फॉर डेवलपिंग सर्वत्र कवच. सो ये एक बुलेट प्रूफ जैकेट है जो कि इन्होंने डेवलप करी है, इसके लिए इनको आर्मी डिजाइन ब्यूरो एक्सेलेंस अवार्ड दिया गया. इलिया राजा सिलेक्टेड फॉर हरिवर्षनम अवार्ड फॉर 2020. सो इलिया राजा जो कि काफ़ी एक प्रसिद्ध म्यूजिशियन है, म्यूजिक कंपोजर है, इनको हरिवर्षनम अवार्ड दिया गया. सो ये एक एग्जॉस्टिव लिस्ट है, जब आप रिवाइज़ करोगे तो आप इस लिस्ट को रिवाइज़ कर लेना. सिर्फ ये पूरे जितने भी अवार्ड्स मैंने डिस्कस करे वो यहाँ पे एक लिस्ट के रूप में है, ये वाला अवार्ड उसमें नहीं था. सो टोनी जोसेफ जो कि एक राइटर हैं, इनको मिला है 12th शक्ति भट्ट फर्स्ट प्राइज. ओके, नाउ वी विल डिस्कस रैंक्स एंड रिपोर्ट्स.
डिजिटल ट्रांजैक्शन इन अक्टूबर, इस रिपोर्ट के अनुसार सबसे ज़्यादा डिजिटल ट्रांजैक्शंस जो हुए हैं उसमें स्कोर किया है फर्स्ट पे फिनो पेमेंट बैंक ने, और ये जो रैंकिंग्स हैं ये निकाली है मिनिस्ट्री ऑफ इलेक्ट्रॉनिक्स एंड इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी ने। रेलवे ऑपरेटिंग रेशियो ऑफ 98.44% इन 2017-18। सो कैग की रिपोर्ट है, कैग हैं राजीव महर्षि जी, इनकी रिपोर्ट के अनुसार जो रेलवे का ऑपरेटिंग रेशियो है दिस इज वर्स्ट इन द लास्ट 10 ईयर्स, एंड ये जो आंकड़े हैं ये 2017-18 के हैं। अब ऑपरेटिंग रेशियो क्या होता है? सो ऑपरेटिंग रेशियो इज द अमाउंट ऑफ मनी द नेशनल ट्रांसपोर्टर स्पेंड्स टू अर्न ईच रुपी। सो इट इज द रेशियो विच रेलवे इज पुटिंग टू अर्न ईच रुपी, और जितना कम ये रेशियो रहेगा उतना ही अच्छा रेलवे के फाइनेंसेस होंगे। सो इन दिस कंडीशन वी कैन से दैट रेलवे फाइनेंसेस आर क्वाइट पुअर। India ranks 5th in Global Climate Risk Index. So Global Climate Risk Index, which has been released by German Watch, so it's an environment think tank, इसके according India is the 5th most vulnerable country to climate change. और वहीं अगर देखा जाए तो सबसे ज़्यादा जो vulnerable country है that is Japan. India ranks 73rd in UN Index assessing e-commerce readiness. So e-commerce readiness के लिए जो UN ने एक index निकाला था उसमें इंडिया की रैंक है अ डिसमल 73rd, और वहीं इस लिस्ट को टॉप किया है नीदरलैंड्स ने। इंडिया मूव्स फ्रॉम 130 टू 129 इन ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स, एंड दिस इज बाय यूएनडीपी। सो ये क्वेश्चन भी आ सकता है कि ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स कौन सी एजेंसी रिलीज करती है। सो इट इज रिलीज्ड बाय यूनाइटेड नेशंस डेवलपमेंट प्रोग्राम, एंड इसके अकॉर्डिंग टोटल 189 कंट्रीज में से इंडिया का रैंक ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स में है 129। सो सिर्फ एक ही रैंक हमने जंप किया है इस इंडेक्स में, और फर्स्ट है इसमें नॉर्वे, सेकेंड है स्विट्जरलैंड। सो फर्स्ट सेकेंड जरूर ध्यान रखना और इंडिया का रैंक ध्यान रखना, ओके? अबू धाबी सिलेक्टेड एज वर्ल्ड्स लीडिंग स्पोर्ट्स टूरिज्म डेस्टिनेशन। सो वर्ल्ड ट्रैवल अवार्ड्स के 26th एडिशन में, जो कि मस्कट में अभी संपन्न हुए हैं, वहां पर अबू धाबी को वर्ल्ड लीडिंग स्पोर्ट्स टूरिज्म डेस्टिनेशन का अवार्ड दिया गया है, और ये 7वीं बार हो रहा है, यानी कि 7th टाइम इन अ रो दैट अबू धाबी हैज बीन सिलेक्टेड फॉर दिस अवार्ड। इंडिया अमंग द टॉप 10 कंट्रीज विथ हायर क्लाइमेट चेंज परफॉर्मेंस। सो अभी जो COP25 क्लाइमेट समिट हुई मैड्रिड में, कोप इज कॉन्फ्रेंस ऑफ पार्टीज, इसमें एक इंडेक्स रिलीज किया गया, क्लाइमेट चेंज परफॉर्मेंस इंडेक्स, इसमें इंडिया को 9th रैंक मिला है, और फर्स्ट 3 रैंक्स अनऑक्यूपाइड रहीं क्योंकि जो पेरिस क्लाइमेट के टारगेट्स डिसाइड करे थे उसके अकॉर्डिंग कोई भी कंट्री उस पाथ पे नहीं चल रही है विच वॉज डिटरमाइंड देयर, ओके? सो फर्स्ट 3 प्लेसेस वर रिमेन अनऑक्यूपाइड एंड इंडिया वॉज रैंक एट 9th पोजिशन। इंडिया स्किल्स रिपोर्ट फाइंड 46.21% ऑफ स्टूडेंट्स एम्प्लॉयबल। सो दैट इज क्वाइट डिसमल कि सिर्फ 46.21% जो स्टूडेंट्स हैं वही एम्प्लॉयबल हैं। सो दैट मीन्स कि सिर्फ उन्हीं को माना जा रहा है कि ये एम्प्लॉयमेंट के योग्य हैं। फाइनेंस मिनिस्टर निर्मला सीतारमन अमंग वर्ल्ड्स 100 मोस्ट पावरफुल वुमेन। सो फोर्ब्स ने वर्ल्ड्स मोस्ट पावरफुल वुमेन की एक लिस्ट प्रिपेयर करी है, इसमें 100 महिलाओं को शामिल किया गया है। फर्स्ट में है जर्मनी की चांसलर एंजेला मार्केल, और निर्मला सीतारमन जो कि हमारी फाइनेंस मिनिस्टर हैं, शी इज रैंक्ड एट 34th इन दिस लिस्ट। इंडिया स्लिप्स टू 112th पोजीशन ऑन जेंडर गैप। सो वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम इस डेटा को रिलीज करता है ऑन जेंडर गैप, और इंडिया का रैंक है इसमें 112। फर्स्ट पे है आइसलैंड, और वहीं लास्ट पे देखें तो है यमन। इंडिया इज वर्ल्ड्स 3rd लार्जेस्ट प्रोड्यूसर ऑफ साइंटिफिक आर्टिकल्स। सो एक रिपोर्ट के अनुसार जो साइंटिफिक और इंजीनियरिंग आर्टिकल्स होते हैं उसके प्रोडक्शन में इंडिया इज एट दी 3rd स्पॉट इन दी वर्ल्ड। फर्स्ट पर है चाइना और सेकंड पर है यूएसए। इंडिगो बिकम्स फर्स्ट इंडियन कैरियर टू ऑपरेट 1500 डेली फ्लाइट्स। सो ये पहली हमारी डोमेस्टिक कैरियर बनी है जो कि डेली बेसिस पे 1500 फ्लाइट्स अपनी चला रही है। इंडिगो के सीईओ हैं रोनोजॉय दत्ता। फीफा रैंकिंग्स, सो फीफा की रैंकिंग्स में इंडिया की रैंक है 108 और टॉप पर है बेल्जियम। नाउ वी विल डिस्कस द इम्पॉर्टेंट डेज। वर्ल्ड एड्स डे, दिस इज सुपर इम्पॉर्टेंट, किसी ना किसी एग्जाम में ये क्वेश्चन ज़रूर आएगा। ये 1 December को होता है, सो ये तो नहीं पूछेंगे बिकॉज ये ज़्यादातर लोगों को पता होता है। द क्वेश्चन विच विल बी आस्क्ड इज कि इसका थीम क्या था। सो इसका थीम था कम्युनिटीज मेक द डिफरेंस। सेकेंड ऑल्सो वेरी इंपॉर्टेंट, नेशनल पॉल्यूशन कंट्रोल डे, ये 2 December को मनाया जाता है, और ये मनाया जाता है टू कमेमोरेट द मेमोरी ऑफ द विक्टिम्स ऑफ भोपाल गैस ट्रेजेडी जो कि 1984 में हुआ था। इसमें मिथाइल आइसोसाइनेट जो गैस थी वो लीक हुई, और इसकी वजह से, इस पॉइजनस गैस की वजह से बहुत सारे लोगों की जान गई। सो ये तो सरकारी डेटा है 3787, पर
असली में तो और भी ज़्यादा लोगों की जाने इसमें गई थी। इंटरनेशनल डे फॉर द अबॉलिशन ऑफ स्लेवरी, तो ऐसे याद रखना कि पॉल्यूशन कंट्रोल डे और स्लेवरी को ख़त्म करने के लिए जो डे है ये एक ही दिन मनाया जाता है, 2 दिसंबर को। इंटरनेशनल डे ऑफ पर्सन्स विद डिसेबिलिटी, सो ये दिन जो कि दिव्यांगजनों के लिए सेलिब्रेट किया जाता है ये होता है 3 दिसंबर को। याद रखना स्लेवरी को अबॉलिश करना है 2 तारीख को और डिसेबल लोगों के लिए यानी कि दिव्यांगजन लोगों के लिए, डिफरेंटली एबल लोगों के लिए 3 तारीख को डे सेलिब्रेट किया जाता है। नेक्स्ट इज इंडियन नेवी डे जो कि 4 दिसंबर को सेलिब्रेट किया गया। और ये क्यों सेलिब्रेट किया जाता है? बिकॉज इट मार्क्स द इंडियन नेवी ऑपरेशन ट्राइडेंट। ऑपरेशन ट्राइडेंट 1971 में हुआ था जब इंडो पाकिस्तान वॉर हुआ था और इसी के साथ पहली बार रीजन में एंटी शिप मिसाइल्स का यूज़ हुआ था। इस बार का थीम था इंडियन नेवी साइलेंट स्ट्रॉन्ग एंड स्विफ्ट। वर्ल्ड सॉइल डे वॉज सेलिब्रेटेड ऑन 5th of December। इस बार का थीम था स्टॉप सॉइल इरोजन सेव अवर फ्यूचर। Armed Forces Flag Day was celebrated on 7th of December and it is celebrated to honor the martyrs and armed forces personnel. And who is our army chief? Manoj Mukund Narvane. He is the 28th army chief. और यहाँ पर ये दिया गया है जनरल बिपिन रावत, ऑब्वियसली ये पहले के थे, सो बिपिन रावत को अब बनाया गया है हमारा पहला CDS. International Civil Aviation Day is also celebrated on 7th of December. सो ये ध्यान रखना आप ऐसे, आर्म्ड फोर्सेस का फ्लैग डे और इंटरनेशनल लेवल पे सिविल एविएशन डे इज सेलिब्रेटेड ऑन 7th of December। और इंटरनेशनल सिविल एविएशन ऑर्गेनाइजेशन का हेडक्वार्टर है मॉन्ट्रियल कैनेडा में। 9th December इंटरनेशनल एंटी करप्शन डे, दिस इज ऑल्सो वेरी इंपॉर्टेंट। सो 9 दिसंबर को एंटी करप्शन डे सेलिब्रेट किया जाता है, थीम इज यूनाइटेड अगेंस्ट करप्शन। 10th December ऑल्सो वेरी इंपॉर्टेंट ह्यूमन राइट्स डे और इस बार का थीम था यूथ स्टैंडिंग अप फॉर ह्यूमन राइट्स। नेक्स्ट 11 दिसंबर इंटरनेशनल माउंटेन डे, थीम था माउंटेन्स मैटर फॉर यूथ। इंटरनेशनल माइग्रेंट्स डे इज सेलिब्रेटेड ऑन 18th of December, इस बार का थीम था वी टुगेदर। नेशनल मैथमेटिक्स डे 22nd of December और ये मनाया जाता है ऑन द बर्थ एनिवर्सरी ऑफ इंडियन मैथमेटिशियन श्रीनिवास रामानुजन। 23rd December को है नेशनल फार्मर्स डे and it is celebrated to commemorate the birth anniversary of our 5th Prime Minister Chaudhary Charan Singh. So, अगर overall देखा जाए तो December में काफ़ी important days हैं, आप लोग इन सबको ज़रूर ध्यान रखना और ऐसे लाइन से जैसे यहाँ पे लिखा हुआ है ना, इसी तरीके से आप अगर नोट्स बना रहे हो तो अपनी कॉपी में लिखना, अदरवाइज इसका प्रिंटआउट ले लेना सिर्फ इस वाले स्लाइड का, ओके? और इनको अगर आप डे टू डे रिवाइज करोगे तभी याद रहेंगे, अदरवाइज देर आर अ लॉट ऑफ डेज एंड देर आर चांसेस कि आप कंफ्यूज कर जाओ कि आपको याद ना है कि इंटरनेशनल माउंटेन डे 10 को था या 11 को था। सो इस तरीके से मैं बोलूँगी, अगर आपने ऐसे लिख के रखा होगा देन आपको एक फोटोग्राफिक मेमोरी जो होती है, एक इमेज जो होती है, वो हमारे माइंड में सेट होती है तभी हमें याद होती है। अगर आप एक एक करके याद करोगे कि चलो वर्ल्ड सॉइल डे 5 को है, फिर उसके बाद इंटरनेशनल माइग्रेंट्स डे 18 को है, तो ऐसे याद नहीं होगा। इनको लाइन बाय लाइन क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर में ही आपको याद करना होगा। यूएन क्लाइमेट चेंज कॉन्फ्रेंस COP25 कॉन्फ्रेंस ऑफ पार्टीज 25 हेल्ड इन स्पेन मैड्रिड, यह भी हमने ऊपर पढ़ा है और इसी में एक इंडेक्स लॉन्च किया था जिसमें इंडिया का रैंक है 9th बिकॉज इंडिया इज पुटिंग ग्रेट एफर्ट्स टुवर्ड्स क्लाइमेट चेंज। सो इंडिया का जो डेलीगेशन था वो लीड किया हमारे मिनिस्टर प्रकाश जावड़ेकर ने। सऊदी अरेबिया टेक्स ओवर G20 प्रेसिडेंसी फ्रॉम जापान। सो इस बार का जो G20 समिट था वो हुआ था जापान में और जो नेक्स्ट समिट होगा यानी कि 2020 में जो समिट होगा वो होगा सऊदी अरेबिया में। सो सऊदी अरेबिया पहला अरब नेशन बन गया है जहां पर G20 समिट कराया जाएगा। फिर है 13 साउथ एशियन गेम्स, ये मैंने आपसे प्रीवियस वीडियो में भी डिस्कस करा था कि ये जो गेम्स हैं ये हुए हैं नेपाल में, इनका आपको जो एडिशन है वो ज़रूर ध्यान रखना है कि ये 13वें गेम्स थे। इंटरनेशनल ईयर ऑफ प्लांट हेल्थ 2020 लॉन्च इवेंट हेल्ड एट FAO हेडक्वार्टर, इसका हेडक्वार्टर है इटली की राजधानी रोम में और इसके डायरेक्टर जनरल हैं क्यू दोंगियो। सो अकॉर्डिंग टू FAO दे विल सेलिब्रेट दिस ईयर एज द इंटरनेशनल ईयर ऑफ प्लांट हेल्थ। वहीं हमने ऊपर पढ़ा था कि WHO ने ये बोला है दैट वी विल सेलिब्रेट 2020 एज द ईयर ऑफ नर्सेस एंड मिडवाइफ्स। नाटो समिट 2019 वॉटफोर्ड यूनाइटेड किंगडम। सो नाटो जिसका फुल फॉर्म है नॉर्थ अटलांटिक ट्रीटी ऑर्गेनाइजेशन, इट वॉज फॉर्म्ड इन 1949 और इसका जो 2019 समिट हुआ इट हैपेंड इन वॉटफोर्ड यूनाइटेड किंगडम। ह्यूमन लाइब्रेरी इवेंट ऑर्गेनाइज्ड इन मैसूरू,
सो मैसूरू का हमने एक और करंट अफेयर पढ़ा था कि यहाँ पे हुआ है करंजी फेस्टिवल टू शो द इम्पोर्टेंस ऑफ वाटर बॉडीज, और वहीं ह्यूमन लाइब्रेरी फेस्टिवल भी यहाँ पर ऑर्गेनाइज किया गया. एक्सटर्नल अफेयर मिनिस्ट्री टू होस्ट 6th इंडियन ओशियन डायलॉग एंड डेली डायलॉग 11th एडिशन. सो ये दोनों ही डायलॉग्स होंगे न्यू दिल्ली में, और हमारे एक्सटर्नल अफेयर मिनिस्टर हैं एस जयशंकर. 2+2 इंडिया यूएस डायलॉग टू बी हेल्ड इन वॉशिंगटन. सो क्वेश्चन यही आ सकता है कि 2+2 इंडिया यूएस डायलॉग कहाँ पर हुआ, न्यू दिल्ली वॉशिंगटन, यही आप लोग कन्फ्यूज कर जाओगे बिकॉज जनरली इस टाइप के जो इवेंट्स हैं वो कंट्री की कैपिटल में होते हैं. सो ये जो इवेंट है ये हुआ वॉशिंगटन में. इसके अलावा आपको ये ध्यान रखना है कि हमारे यहाँ से दो लोग कौन गए. सो एक होता है इसमें डिफेंस मिनिस्टर और दूसरा होता है एक्सटर्नल अफेयर मिनिस्टर. सो जो है हमारे राजनाथ सिंह डिफेंस मिनिस्टर और एक्सटर्नल अफेयर मिनिस्टर हैं एस जयशंकर. आपको याद होगा लास्ट ईयर एक इमेज आई थी जिसमें हमारी उस समय की डिफेंस मिनिस्टर निर्मला सीतारमन और साथ में लेट सुषमा स्वराज, हमारी उस समय की एक्सटर्नल अफेयर्स मिनिस्टर जो थी, वो गई थी वहाँ पे. सो ये वही वाला डायलॉग है. ओके, इंडिया टू होस्ट 36th इंटरनेशनल जियोलॉजिकल कांग्रेस इन मार्च 2020. सो ये वाला जो इवेंट है इंटरनेशनल जियोलॉजिकल कांग्रेस, ये 4 साल में एक बार होता है और 2020 में हम लोग इसको होस्ट करने जा रहे हैं. सो इट विल बी होस्टेड इन न्यू दिल्ली. और वहीं अगर हम इसका थीम देखें तो वो है जियो साइंसेस द बेसिक साइंस फॉर सस्टेनेबल डेवलपमेंट. यूनियन मिनिस्टर्स सीएम टू जॉइन ओवर 100 सीईओस एट वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम्स 50th एनुअल मीटिंग इन डावोस. सो डावोस इज इन स्विट्जरलैंड, और यहाँ पर 50वीं एनुअल मीटिंग हुई वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम की. सो उसमें इंडिया के काफ़ी सारे लोगों ने पार्टिसिपेट किया, यानी कि हमारे मिनिस्टर्स ने और कुछ चीफ मिनिस्टर्स ने भी. ओके, इंडिया गियरिंग अप टू होस्ट वर्ल्ड डेयरी समिट इन 2022. सो 2022 में इंडिया में काफ़ी सारे इवेंट्स होने जा रहे हैं, जैसे कि इंटरपोल का भी जो समिट है वो इंडिया में होगा. इसके अलावा G20 की भी जो अध्यक्षता है वो इंडिया करेगा. अपार्ट फ्रॉम दिस वन मोर समिट वर्ल्ड डेयरी समिट, ये भी इंडिया में ही होगी. नाउ वी विल सी फ्यू करंट अफेयर्स ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी. वर्ल्ड्स फर्स्ट फुली इलेक्ट्रिक कमर्शियल एयरक्राफ्ट टेक्स इनॉग्रल टेस्ट फ्लाइट इन कैनेडा. सो पहली बार इलेक्ट्रिक कमर्शियल एयरक्राफ्ट, यानी कि पूरी तरीके से ये इलेक्ट्रिसिटी बेस्ड है. सो इस एयरक्राफ्ट की जो इनॉग्रल टेस्ट फ्लाइट, यानी कि सबसे पहली जो टेस्ट फ्लाइट हुई कैनेडा में, और इसका मैन्युफैक्चरर है मैग्निक्स. स्विट्जरलैंड टू बी द कंट्री पार्टनर एट बायो एशिया 2020. सो बायो एशिया 2020 जो कि होने जा रही है तेलंगाना की कैपिटल हैदराबाद में, उसमें जो हमारा पार्टनर कंट्री होगा वो है स्विट्जरलैंड. सो बायो एशिया 2020 का थीम है टुडे फॉर टुमोरो. इसरो टू लॉन्च अर्थ ऑब्जर्वेशन सैटेलाइट रीसेट 2BR1. सो एक और सैटेलाइट जो कि इसरो लॉन्च करने वाला है. सो इट इज़ अ अर्थ ऑब्जर्वेशन सैटेलाइट एंड इसका नाम है रीसेट 2BR1. ये लॉन्च की जाएगी PSLV C-48 से. इंटरनेशनल एस्ट्रोनॉमिकल यूनियन जिसका हेडक्वार्टर है पेरिस फ्रांस में, नेम्स न्यू स्टार एज शारजा. सो जो भी न्यूली डिस्कवर्ड स्टार्स और प्लैनेट्स वगैरह होते हैं उनको नाम देने का काम IAU करता है. सो इसने एक जो नया स्टार मिला है उसका नाम दिया है शारजा. CBERS-4A चाइना ब्राज़ील सैटेलाइट लॉन्च टू मॉनिटर अमेजॉन रेन फॉरेस्ट. सो अमेजॉन रेन फॉरेस्ट में जो फायर लगी थी उसके बारे में भी ऑल नो, काफ़ी क्षति पहुंची है वहाँ के फॉरेस्ट को. सो अब एक सैटेलाइट लॉन्च करी है चाइना ब्राज़ील ने जिसका नाम है चाइना ब्राज़ील अर्थ रिसोर्सेज सैटेलाइट 4A. ये लॉन्च करी है लॉन्ग मार्च 4B रॉकेट से जो कि चाइना का है, टू मॉनिटर अमेजॉन रेन फॉरेस्ट. साइंटिस्ट फाइंड वर्ल्ड्स ओल्डेस्ट फॉसिल फॉरेस्ट. सो दुनिया का सबसे पुराना फॉसिल फॉरेस्ट जो है ये साइंटिस्ट ने ढूंढा है और ये मिला है न्यूयॉर्क में, और माना जा रहा है कि ये 386 मिलियन ईयर्स ओल्ड है. इसरो इज प्लानिंग टू लॉन्च सैटेलाइट आदित्य टू स्टडी सन. सो आदित्य का मीनिंग ही होता है सन. ओके, आदित्य L1 सैटेलाइट हम लोग लॉन्च करने का प्लान कर रहे हैं. इसरो इज प्लानिंग टू लॉन्च इट और ये सन की स्टडी करेगा. रशिया डिप्लॉयज इट्स एवेंगार्ड हाइपरसोनिक मिसाइल सिस्टम वेटेड अप टू 2 मेगाटन्स. सो यू कैन इमेजिन कि कितना ज़्यादा पावरफुल होगा ये. सो रशिया ने अपना पहला एवेंगार्ड हाइपरसोनिक मिसाइल सिस्टम डिप्लॉय किया है. चाइना लॉन्चेस इट्स लार्जेस्ट कैरियर रॉकेट लॉन्ग मार्च 5. सो अभी हमने एक और न्यूज़ पढ़ा था लॉन्ग मार्च 4A का, और यह है लॉन्ग मार्च 5 जो कि चाइना का सबसे बड़ा कैरियर रॉकेट है. बेंगलुरु यूनिवर्सिटी ऑफ एग्रीकल्चरल साइंसेज टू होस्ट इंडियन साइंस कांग्रेस. सो 107वां एडिशन था ये ज़रूर ध्यान रखना, और इसका उद्घाटन किया था हमारे प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी जी ने,
और ये हुआ है यूनिवर्सिटी ऑफ एग्रीकल्चरल साइंस बैंगलोर में. नाउ वी विल डिस्कस इंपॉर्टेंट डिफेंस न्यूज. इंडो श्रीलंका ज्वाइंट एक्सरसाइज मित्र शक्ति कमेंसेस और ये एक्सरसाइज हुई ऑन द मिलिट्री स्टेशन विच इज एट पुणे. सो ये एक ज्वाइंट मिलिट्री एक्सरसाइज थी जिसका नाम है मित्र शक्ति. और वहीं नेवल एक्सरसाइज जो इंडिया और श्रीलंका करते हैं उसका नाम है स्लिनेक्स. 8th इंडिया चाइना जॉइंट ट्रेनिंग हैंड इन हैंड 2019. सो ये पूरी हो चुकी है. इट वॉज द 8th एडिशन और ये हुई है मेघालय में. UAE US जॉइंट मिलिट्री एक्सरसाइज आयरन यूनियन 12 कमेंसेस. सो आयरन यूनियन 12 जो कि एक मिलिट्री एक्सरसाइज है UAE और USA की. सो ये अभी हुई अबू धाबी में. मिलिट्री लिटरेचर फेस्टिवल ऑर्गेनाइज इन चंडीगढ़. दिस इज इंपॉर्टेंट. मिलिट्री लिटरेचर फेस्टिवल जो इस साल का हुआ वो कहाँ हुआ? चंडीगढ़ में. अपहरण इंडियन नेवीज लार्जेस्ट एंटी हाईजैकिंग एक्सरसाइज. सो ये एक्सरसाइज इंडियन नेवी ने करी. इसके साथ में इंडियन कोस्ट गार्ड, कोचिन पोर्ट ट्रस्ट और काफ़ी सारे स्टेक होल्डर्स विच आर रिलेटेड टू मैरीटाइम, उन्होंने मिलकर ये एक्सरसाइज करी जिसका नाम है अपहरण. इथियोपिया लॉन्चेस फर्स्ट सैटेलाइट इनटू स्पेस. सो इथियोपिया ने भी अपना पहला सैटेलाइट लॉन्च कर दिया है. लास्ट मंथ हमने एक न्यूज़ पढ़ा था कि सूडान ने अपना पहला सैटेलाइट लॉन्च किया है विद द हेल्प ऑफ चाइना. और यहाँ पर भी अगर हम देखें सो चाइना ने इनकी हेल्प करी है. स्पेस फोर्स ट्रंप ऑफिशियली लॉन्चेस न्यू US मिलिट्री सर्विस. सो US मिलिट्री ने, जैसे हमने एक नया पोस्ट अभी लॉन्च किया है उसी तरीके से इन्होंने एक न्यू मिलिट्री सर्विस ऑल टुगेदर लॉन्च कर दी है जिसका नाम है स्पेस फोर्स. सो ये क्या करेगी? इट विल प्राइमरीली फोकस ऑन दी वॉरफेयर इन स्पेस एंड इट विल इवेंचुअली प्रोटेक्ट द US कम्युनिकेशन एंड सर्विलांस सैटेलाइट. नाउ वी विल डिस्कस बुक्स एंड ऑथर्स. सो ये मैंने अभी आपको ऊपर बताया था अवार्ड सेक्शन में. टोनी जोसेफ को मिला है 2019 का शक्ति भट्ट फर्स्ट बुक प्राइज और ये इनको मिला है इनकी बुक के लिए विच इज़ अर्ली इंडियंस. फुल नेम इसका है अर्ली इंडियंस द स्टोरी ऑफ अवर एंसेस्टर्स एंड वेयर वी केम फ्रॉम. तेलंगाना CM रिलीजेस बुक ऑन कालेश्वरम प्रोजेक्ट. सो ये क्वेश्चन भी आ सकता है कि जो कालेश्वरम प्रोजेक्ट है ये कौन से स्टेट का है? सो ये है तेलंगाना का. एक बुक लिखी गई है कालेश्वरम प्रोजेक्ट पे, इसका नाम है कालेश्वरम प्रोजेक्ट तेलंगाना चैरियट ऑफ प्रोग्रेस और ये लिखी है श्रीधर राव देशपांडे ने. वाइस प्रेसिडेंट रिलीजेस द बुक टर्बुलेंस एंड ट्रायम्फ द मोदी ईयर्स. सो ये बुक लिखी है राहुल अग्रवाल एंड भारती एस प्रधान ने. वहीं ये क्वेश्चन भी आ सकता है कि इस बुक को रिलीज किसने किया? सो इट इज़ रिलीज्ड बाय आवर वाइस प्रेसिडेंट वेंकैया नायडू. नाउ वी विल डिस्कस फ्यू पर्सन्स हु आर इन न्यूज दिस मंथ. हरी मोहन टेक्स ओवर एज चेयरमैन ऑफ ऑर्डिनेंस फैक्ट्री बोर्ड. सो ऑर्डिनेंस फैक्ट्री बोर्ड के नए चेयरमैन बने हैं हरी मोहन जी और ऑर्डिनेंस फैक्ट्री बोर्ड का हेडक्वार्टर है कोलकाता में. लियोनल मेसी विंस 2019 रिकॉर्ड 6th बैलॉन डी ओर. सो मेसी जो है ये हिस्ट्री में पहले प्लेयर बन गए हैं जिनको बैलॉन डी ओर 6वीं बार मिल चुका है. वहीं अगर फीमेल कैटेगरी की बात करें सो USA की मेगान रैपिनो, इनको ये अवार्ड दिया गया है. रॉजर फेडरर्स फेस टू बी मिंटेड ऑन स्विस कॉइन. सो जो रॉजर फेडरर हैं ही हैज़ बिकम द फर्स्ट लिविंग पर्सन ऑफ स्विट्जरलैंड जिनका फेस उनके ऑनर में कॉइन पर कार्व किया जाएगा. सो किस कॉइन पे करा जाएगा ये? 20 franc सिल्वर कॉइन पे. ओके. CSB बैंक दैट इज कैथोलिक सीरियन बैंक, इट इज़ बेस्ड इन केरला. सो दिस बैंक हैज़ रीअपॉइंटेड राजेंद्रन चिन्ना वीरप्पन एज MD एंड CEO. सो पहले भी यही थे और अब ये फिर से रहेंगे. रिपु दमन बेवली अनाउंस्ड एज प्लॉगिंग एम्बेसडर ऑफ इंडिया ऑन 50th फिट इंडिया प्लॉगिंग रन. थोड़े टाइम पहले आपने देखा होगा हमारे प्रधानमंत्री मोदी जी जब शी जिनपिंग आए थे तब वो उनसे मिलने गए थे ममल्लपुरम. सो वहाँ पे नेक्स्ट डे उनके इमेजेस आए थे काफ़ी सारे और वीडियोस भी आए थे कि जब वो ममल्लपुरम बीच पे जॉगिंग कर रहे थे सो ही वॉज हैविंग अ बैग विद हिम और वो उसमें जो गार्बेज है वो पिक करके डाल रहे थे. सो ये इवेंट काफ़ी फेमस हुआ था. सो दिस इज़ कॉल्ड प्लॉगिंग. सो जो रिपु दमन बेवली हैं उनको हमारा प्लॉगिंग एम्बेसडर बनाया गया है. दावी कोपेनावा विंस ऑल्टरनेट नोबेल प्राइज फॉर प्रोटेक्टिंग द अमेजॉन रेन फॉरेस्ट. सो दावी कोपेनावा जो हैं इज ऑल्सो कॉल्ड एज द दलाई लामा ऑफ द रेन फॉरेस्ट और इनको इस साल का राइट लाइवलीहुड अवार्ड दिया गया है जिसको ऑल्टरनेटिव नोबेल प्राइज भी कहा जाता है. एक्टर सुनील शेट्टी अपॉइंटेड नाडा एम्बेसडर. सो नाडा होता है नेशनल एंटी डोपिंग एजेंसी और वहीं हमने एक न्यूज़ पढ़ा था वाडा का, यानी कि वर्ल्ड एंटी डोपिंग एजेंसी, इसने बैन कर दिया है रशिया को 4 साल के लिए. सो हमारा जो नाडा है उसके एम्बेसडर बने हैं सुनील शेट्टी.
Greta Thunberg Time Magazine's Person of the Year. So Greta Thunberg को Time Magazine ने Person of 2019 का award दिया है and she is from Sweden. और इन्हें Nobel Peace Prize के लिए भी nominate किया गया था. Kuldeep Yadav becomes first Indian to bag two international hat-tricks. So दो international hat-trick लगाने वाले इंडिया के पहले गेंदबाज बन गए हैं कुलदीप यादव. Apart from this, if we talk about three hat-tricks, so the only bowler जिन्होंने तीन hat-trick लिए हैं international cricket में वो हैं श्रीलंका के लसित मलिंगा. So guys, that's it for this video. I hope कि आप लोगों को ये video पसंद आया होगा. If you like this video, make sure to hit the like button and subscribe Oliveboard's channel. So I shall see you next time in my next video. Till the time, stay happy, practice hard, and all the very best for your examinations. Bye.